नमो नमो दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विचिकता में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो एकादशी अभी आने वाली है, हमारा अभी फाल्गुन का मास चल रहा है। फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष यानी अंधेर का समय चल रहा है अभी, तो जो फाल्गुन मास के जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, वह हम किस नाम से जानते हैं उस एकादशी को, उस एकादशी का हमारे मनुष्य जीवन में क्या महत्व है, इसका संपूर्ण विधि विधान जो मैं अपने घर में भी करती हूँ और इसकी संपूर्ण कथा आज मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे रेड बटन दिख रहा है उसे दबाइए, घंटे के निशान को दबाइए। अगर आप घंटे का निशान नहीं दबाएंगे तो मेरे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे, तो प्लीज घंटे का निशान जरूर दबाइएगा। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। जो एकादशी अभी आने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी फाल्गुन मास चल रहा है तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं, जो कि अब की बार 2 मार्च 2019 को है, यानी कि शनिवार है उस दिन। तो आपको उस दिन ये व्रत करना है। ये व्रत जो आपको शुरू करना है, शुरू करने में मैं जो हमेशा बताती हूँ, सबसे पहले वही बताना चाहूंगी कि आपको यह जो व्रत आप शुरू करेंगे, एकादशी का जो व्रत है, आप इसमें बिल्कुल भी सर ना धोएं। सर तो आपने धोना ही नहीं है इसके अंदर, आपने सिर्फ नहा के ही पूजा अर्चना करनी है। तो जो एकादशी का जो ये व्रत है, इसका जो महत्व है जीवन में, मनुष्य जीवन में बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जितने भी शत्रु होते हैं मनुष्य के, अगर वह इस व्रत को करता है तो वह अपने शत्रुओं पर विजय को प्राप्त करता है। और जितने भी उसके उसके पहले जाने अनजाने में किए हुए पहले जो गलत कार्य होते हैं या आने वाले जो गलत कार्य होते हैं, उसका उनके जो प्रभाव है वो भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसका इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों इस एकादशी का, कि माना जाता है कि खुद भगवान विष्णु ने भी जब त्रेता युग में राम अवतार लिया था, तब उन्होंने भी इस व्रत को करके ही रावण की लंका पर विजय प्राप्त की थी और सीता जी को वहां से लेके आए थे। तो इसलिए इस जो एकादशी का है बहुत ज्यादा महत्व माना गया है दोस्तों, ये आपको करनी चाहिए। और इसके जो पूजा विधि विधान है वे इस प्रकार है। सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में एक घट स्थापना कीजिए। वैसे क्या है कि दो घट स्थापना करते हैं हम, या तो आप एक घट में आप सोने का, चांदी का, अपने श्रद्धा के अनुसार, या मिट्टी का एक घट ले लीजिए, यानी एक मटका ले लीजिए, मैं छोटा ही लेती हूँ, और उसके अंदर आप या जल भर लीजिए। जल भरने के बाद में आप उसमें 5 पत्ती लगाइए और ऊपर उसका जो ढक्कन है वो लगा के उसके ऊपर में आप विष्णु भगवान जी की मूर्ति को उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। और उसके नीचे जब आप घट रखेंगे तो उसके नीचे आप 7 अनाज थोड़े थोड़े उसमें रख के और उसको ऐसे बिठा के उसके ऊपर आप घट की स्थापना कीजिए। और उसके साथ में एक घट की स्थापना और करनी है जिसमें आपको 7 अनाज भरना है, यानी कि वो जो 7 अनाज आप भरेंगे उसके अंदर में फिर आपने पूजा करनी है, क्योंकि जो 7 अनाज आप उसमें भरेंगे वो आप द्वादशी वाले दिन जो भी सुयोग्य ब्राह्मण हो आप उनको दान भी दे सकते हैं। और जो जल से भरा हुआ जो आपने जो घट स्थापित किया है उसको आप वैसे तो उसमें जल में प्रवाहित करते हैं, लेकिन हम जैसे दिल्ली NCR में रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास में आसपास में तो कोई जलाशय नहीं है, तो आप उस जल को आप किसी गमले में दे दीजिए और जो जो मटका है आप उसको मंदिर के बाहर रखे आ सकते हैं, ताकि वो बाद में, अभी गर्मियां आने वाली है तो वो पानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कि वह पानी भर के वहां इस्तेमाल करें, या आप भरा भराया भी वहां पे मंदिर में जाके उसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से तो आपने ये चीजें रखनी है। फिर आपने वहां पे धूप दीप नैवेद्य नारियल ये सब चीजें वहां पे रख के, और जो भी ऋतु फल जो भी अभी सीजन के फल चल रहे हैं उनसे आप नारियल सब सामान वहां पे रख के पूजा कीजिए। घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और तुलसी की मंजरियां जरूर चढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि ये जो व्रत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करनी है घट के ऊपर, क्योंकि विष्णु भगवान को समर्पित है और उनको तुलसी की मंजरियां बहुत ही प्रिय है। तो इस तरीके से आप विधिवत पूजा कीजिए। इस दिन अगर आप कीर्तन अपने घर में रखना चाहती है तो जरूर कीर्तन रखिए, रात्रि जागरण करना चाहती है तो वो भी कर सकते हैं, और आसपास में जो भी विष्णु भगवान के मंदिर हो वहां जाकर के आप दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूजा शुरू करनी है। ये आपको निराहार रहकर ही करनी होती है। अगर आप निराहार नहीं रह सकते तो आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अन्न लेना वर्जित होता है व्रत में। तो ये तो इसकी सारा विधि विधान हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी व्रत की कथा जो आपको श्रवण करनी चाहिए। जब जो युधिष्ठिर जी है वो कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, कि जो
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसको किस नाम से जानते हैं और उसका क्या महत्व है। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है हे पार्थ, ये भी प्रश्न नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा था, जो उन्होंने उनको बताया वह वचन मैं आज तुम्हें कहता हूँ। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो ये व्रत है जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसको विजया एकादशी के नाम से जानता है। जो भी इस व्रत को करता है वह विजय को प्राप्त अपने शत्रुओं को हराता है। इस व्रत को त्रेता युग में श्री पुरुषोत्तम राम ने किया था, जो कि उन्होंने इस व्रत को रखकर ही रावण पर अपनी जीत हासिल की थी। जब उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया था श्री राम को, और वे लक्ष्मण और सीता सहित अपने वनवास के लिए निकल गए थे, जब वो वहां जाके पंचवटी में रुके और कुछ समय पश्चात जब रावण ने धोखे से सीता का हरण किया, तब श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित पड़े जटायु जी मिले और उन्होंने उनको सब बताया कि जो सीता जी का जो हरण है वो रावण ने किया है। जो अब उन्होंने जब रावण पे चढ़ाई करनी चाहिए तो जब उनको वहां पे समुद्र जो उनके बीच में जो समुद्र पड़ता था उनको समुद्र पार करना था, समुद्र पार करने के लिए जब उनको कोई उपाय नहीं सूझा तो वहीं पे पास में ही दालाभि ऋषि मुनि रहते थे, वो बहुत ही दर्शनार्थी मुनि थे। तो जो पुरुषोत्तम राम है और जो भाई लक्ष्मण है वे दोनों के दोनों वहां उनके यहाँ पे जाते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं। तब मुनिवर पूछते हैं उनसे कि हे पुरुषोत्तम राम, आपका यहाँ आने का क्या तात्पर्य है, कृपया मुझसे कहें। तब उन्होंने उसको बताया कि हे मुनिवर, हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि हम इस समुद्र को पार कर सके और लंका पर जीत हासिल कर रावण को हराकर सीता को घर वापस ला सके। तब मुनिवर ने कहा कि कल एक विजया एकादशी आ रही है जिसका आपको व्रत करना चाहिए, उसके उस व्रत के प्रताप से आप अपने जो शत्रु है जो रावण है उसको तो हरा ही पाएंगे और इस समुद्र को भी आप झट से पार कर जाएंगे। तो उसी तरह से श्री राम ने लक्ष्मण और अपनी पूरी सेना सहित यह व्रत किया। यह व्रत करने के प्रताप से उनको समुद्र वह समुद्र पार कर पाए और रावण को हरा करके सीता मैया को लौट कर अपने घर अयोध्या ले आए। तो इस तरीके से उन्होंने जब श्री राम ने यह व्रत किया, इस व्रत की आप महत्ता समझिए दोस्तों कि जब यह व्रत भगवान ने खुद किया क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा महत्ता है, तो इसीलिए मनुष्य को भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। ये इसकी कथा थी। इस कथा के बाद में आप गणेश जी की कथा जरूर सुनिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्योंकि कभी भी एक कहानी नहीं सुननी चाहिए, उसके बाद में दूसरी कहानी गणपति जी की जरूर सुननी चाहिए, वो जरूर सुनिएगा। और इस तरीके से आप इस व्रत को रख सकते हैं। और अगर मैं आपको अच्छी जानकारी दे पाई हूँ तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इस जानकारी को शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए दोस्तों। नमो नमः।